हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मिक्स स्पाइसी मसाला किचन में। यहाँ पे मैंने एक ऑनियन को स्लाइसेस में कट कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, 5 से 6 गार्लिक लिया है, इसे हम कूट के इसका इस्तेमाल करेंगे, 4 से 5 करी लीव्स लिए है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1/4 हींग ली है। आलू और भिंडी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी जो आपको पसंद है वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो हमारी भिंडी को हम ऐड कर लेंगे। सारी भिंडी को ऐड कर देंगे। सारी भिंडी को मैंने ऐड कर दिया है। चलाते हुए इसे फ्राई करना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे फ्राई करके लेना है। भिंडी को फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में भिंडी को मैं ऐसे सेट करके छोड़ रही थी ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। भिंडी को चलाते हुए हम और फ्राई कर लेंगे। कलर इसका चेंज हो चुका है लेकिन हमें और फ्राई कर लेना है। यहाँ मुझे भिंडी को चलाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारी भिंडी का कलर चेंज हो चुका है और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स, किसी कारण से मेरे फ़ोन का कैमरा ऑफ हो गया था, इसी वजह से मैं गार्लिक को ऐड करते हुए नहीं दिखा पाई। तेल की गर्म होते ही गार्लिक को क्रश करके ऐड कर दिया, करी लीव्स को तोड़ के ऐड कर दिया, हल्का सा गार्लिक का कलर चेंज होते ही उसमें जीरे को ऐड कर दिया। गार्लिक का कलर डार्क हो चुका है, ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। 2 सेकेंड के लिए ग्रीन चिल्ली को भी फ्राई कर लेंगे। ग्रीन चिल्ली को फ्राई कर लिया है, ऑनियन ऐड कर देंगे। चलाते हुए ऑनियन को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें ऑनियन का कलर ब्राउन नहीं करना है, लाइटली पिंक रखना है, क्योंकि जब हम आलू ऐड करेंगे आलू के साथ इसका कलर अपने आप डार्क हो जाएगा। ऑनियन को थोड़ा चला लिया है, हींग डाल देंगे इसमें, फिर से 1-2 सेकेंड के लिए चला लेंगे। दो से तीन मिनट ऑनियन को मैंने मीडियम गैस पे अच्छे से पिंक होने तक भून लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। सारे आलूओं को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आलूओं को भी चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट मैंने मीडियम गैस पे आलू को फ्राई कर लिया है। देखिए, हमारे ऑनियन का कलर डार्क हो रहा है। फ्रेंड्स, 2 से 3 सेकेंड के लिए आलू को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच में एक बार मैंने आलू को चला लिया था, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को ऐड करते ही फिर से 1-2 सेकेंड के लिए हम चला लेंगे, दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। ये आलू भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है। हल्दी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे हल्दी को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नमक अभी तक ऐड नहीं किया है। नमक हम लास्ट में डालेंगे। अगर हम नमक पहले डाल देंगे तो हमारा ऑनियन जल जाएगा। 2 मिनट के लिए हम ढककर पका लेंगे ताकि आलू हमारे अंदर से अच्छे से पक जाए। एक बार चला लेंगे और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला है। नमक को हमें अच्छे से सब्जी में मिला लेना है चलाते हुए। मैंने अच्छे से चला लिया है। अभी एक बार फिर हम ढक कर रख देंगे 5 सेकेंड के लिए ताकि नमक हमारा अच्छे से मिल जाए। 5 सेकेंड हो गए। आलू भिंडी को एक बार चला लेंगे और अब हम आलू चेक कर लेंगे, आलू हमारा पका है या नहीं। देखिए फ्रेंड, आलू हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और प्लेटिंग कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।